अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो हम देखेंगे कि क्लास फर्स्ट ईयर का एडमिशन कैसे भेज सकते हैं खुद किसी भी बोर्ड का, पंजाब बोर्ड के जितने भी बोर्ड्स हैं, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोधा, रावलपिंडी, डीजी खान, ठीक है, तमाम बोर्ड्स का आप किस तरह जो है वो एडमिशन खुद भेज सकते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। तो आज हम इसको फॉर्म फिलअप करना देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कैसे जो है वो आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आप गूगल ओपन कर लेंगे। जैसे आप गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपने अपने अकॉर्डिंग बोर्ड लिख लेना है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं लिखूँगा जी, मैं लाहौर बोर्ड का करके दिखाने वाला हूँ। तो आप जो भी आपका बोर्ड हो आप वहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने फैसलाबाद बोर्ड की तरफ से एडमिशन भेजना है तो वो फैसलाबाद बोर्ड लिखेगा, ठीक है। इसी तरह साहिवाल, जो मतलब जो भी आपके अकॉर्डिंग बोर्ड है आपने उस बोर्ड का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं लाहौर लिख लेता हूँ। फिर से मैं बता दूँ कि आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है, लाहौर बोर्ड। तो मैंने ये लिख लिया लाहौर बोर्ड। और जैसे आप लिखेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपके बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने 22 लाहौर लिखा तो 22 लाहौर की वेबसाइट ओपन है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन तो कट कर दें। और यहाँ पे आपको आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग ये इस तरह के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं एज अ प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट एडमिशन HSSC, ठीक है, HSSC एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के लिए अगर आप एडमिशन भेजना चाहते हैं तो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए आप करेंगे और रेगुलर जो है वो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं प्राइवेट करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पे प्राइवेट पे क्लिक कर लेंगे आप। और जैसे आप प्राइवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें, नीचे लिखा हुआ है जी फर्स्ट ईयर, ठीक है, हम फर्स्ट ईयर का करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेश कैंडिडेट यानी जिन्होंने अभी तक मतलब 10th पास किया उसी वक्त फर्स्ट ईयर में चले गए हैं, तो ये वाले स्टूडेंट, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन पिछले साल करवाई थी, ठीक है, लेकिन पेपर नहीं दिए तो वो नीचे वाले इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस वाले पे। और जिन्होंने मतलब पेपर भी दे दिए हैं वो दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, फ्रेश पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने एज अ फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले जी आप यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक रोल नंबर यानी कि जो भी आपका क्लास 10th का रोल नंबर है आप वो लिखेंगे। जैसे मेरे पास एक रोल नंबर है तो मैं लिख लेता हूँ, जी मेरे पास ये एक रोल नंबर है और नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए प्रोसीड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले जो चार पोर्शन है ना इनमें आपने कुछ नहीं लिखना और ना ही आप लिख सकते हैं क्योंकि तीन तो पहले फिल हैं और फोर्थ जो है वो बोर्ड वाले खुद फिल करेंगे, ठीक है। तो उसके सामने एक लिखा हुआ है जी चूज अ फाइल यानी यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है तो यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है स्कैन करवाने के बाद विद ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, वाइट या फिर ब्लू बैकग्राउंड जो है वो वाली आपने पिक लेनी है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 20 KB की फाइल होनी चाहिए, 20 KB की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ बे फॉर्म, यहाँ पे आप अपना जो भी आपका बे फॉर्म नंबर है या जिसे बोलते हैं CNSC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं। जैसे मैं अपने पास से कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जी यहाँ पे आप लिखेंगे फादर CNSC नंबर यानी कि जो आपके वालिद साहब हैं उनका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे अपना, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई अपने पास से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो भी आपका फ़ोन नंबर हो बिल्कुल सही देना है, ठीक है, बिल्कुल सही देना है। उसके बाद मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कोई भी अगर आपके चेहरे पे या किसी हैंड पे कोई आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रिक्ट यानी जो आपका ज़िला है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ज़िले सारे दे दिए गए हैं, ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैं कर लेता हूँ। नेक्स्ट है जी स्पेशलिटी, यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है, तो जो भी आपने करना है मैं फिलहाल इसको नन पे रखूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी ये मेल एंड फीमेल, ये खुद ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है रिलीजन यानी इस्लाम एंड मुस्लिम आर नॉन मुस्लिम, ठीक है, तो अगर मुस्लिम है तो इस्लाम पे क्लिक करेंगे, अगर गैर मुस्लिम है तो फिर नॉन मुस्लिम पे, लेकिन मुस्लिम पे क्लिक करें।
यानी जो मुस्लिम है। नेक्स्ट है नेशनलिटी, ये पाकिस्तानी ही आप रखेंगे। नेक्स्ट अर्बन आर रूलर, ठीक है, इन दोनों में आपने सेलेक्ट कर लेना है। और मीडियम, इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से समझ लें। अगर आप इस्लामियात और पाक स्टडी इनका पेपर उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू मीडियम पे क्लिक करेंगे, और अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो फिर इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे। तो हम उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू पे क्लिक कर दिया। आगे आप बताएंगे कि हाफ़िज़े कुरान, यानी अगर आपने कुरान हिफ़्ज़ किया है तो येस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं किया तो फिर नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो यतीम है वो नीचे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे, और जो नहीं है वो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है होम ड्रेस, यहाँ पे आपका जो सही ड्रेस है बिल्कुल वो आप लिखेंगे, बिल्कुल सही। अगला जो है इसको थोड़ा सा केयरफुली आपने समझना है कि आप अपना सेंटर कहाँ बनवाना चाहते हैं, यानी कहाँ आप पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे। और नेक्स्ट जो है ये नन, ठीक है, तहसील वगैरह जब आप सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे तहसील्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन ये आप क्लिक करेंगे, एरिया वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी एग्जाम इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप कौन सा ग्रुप करेंगे, कौन कौन से पेपर आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप अपने सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव का बटन, सेव क्लिक करेंगे और एक फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और उसका प्रिंट लेने के बाद आप जो है वो बैंक में फीस सबमिट करवा देंगे, ठीक है। हर बोर्ड के अकॉर्डिंग है, लाहौर बोर्ड की जो है वो HBL में होती है, और फैसलाबाद की जो है वो MCB में भी होती है। तो अपने अकॉर्डिंग जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर लिखा होता है कि आपने फीस जो है वो कौन सी बैंक में करवानी है। जब आप सेव करेंगे ना तो आपके सामने तीन पेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है, वो आप प्रिंट निकाल लेंगे, और उसके बाद फिलअप करने के बाद आप जो है वो फीस वगैरह जो है वो सबमिट करवा देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस वीडियो जो है इस चैनल पर स्टडी के साथ साथ एजुकेशनल के मुताबिक तमाम जो है वो वीडियो बर वक्त शेयर की जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।